हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ, रिव्यू वीडियो है। मैंने एक प्रोडक्ट रिसेंटली लिया है और ये वाला प्रोडक्ट मैंने इस बार अपनी कार के लिए लिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है दिशांत वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 360 स्क्रीन। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, मैंने इसके दो पीस मंगवाए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये है क्यूबो का डैश कैम। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा, देखिएगा इसको और ख़रीदिएगा तो मेरे ही लिंक से ख़रीदिएगा। बाकी मैं इसको ओपन करके अनबॉक्स करता हूँ, क्या क्या है इसमें प्रोडक्ट वो आपको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। दो तरफ सील है इसमें ये रहा ये बॉक्स, मैं इसको इधर रख देता हूँ। ये है क्विक स्टार्ट गाइड जो आप देख सकते हो, ठीक है। और ये है कुछ हमारा नाइस, ये है हमारा डैश कैम, ये वाला मिरर पे चिपक जाएगा। और ये 360 रोटेटेबल है, देख सकते हो आप। और ये वो शायद मुझे बताया गया था डिटैच भी हो जाता है इसका, ये देखिए ये डिटैच हो गया इससे, सही है, अच्छा है। मैं इसको फिर से लगा देता हूँ। अच्छा, इसका ये डिटैच का ये बटन है लॉक, इसको दबाएंगे इजीली निकल जाएगा। मैंने पहले खींच दिया था, वैसे नहीं निकालना। ये है, ये हो गया। और ये मिलता है आपको ब्रावर का जो एडाप्टर बोलेंगे, गाड़ी में लग जाएगा। बॉक्स में और देखते हैं क्या है। ये है, ये टूल है, अगर आपको बाद में अगर तुम आपको चेंज करना है, इसको स्टिक लगा दिया है तो इससे निकाल सकते हो। और ये रहा वायर, काफ़ी लंबा वायर है, देखते हैं। ये एक और पैड दिया है चिपकाने के लिए, अगर निकालना पड़ जाए तो इनकेस। और ये है दिस साइड ऑन विंडस्क्रीन, ओके। इसका मुझे देखना पड़ेगा ये चीज़ क्या है, ये मुझे लग रहा है स्कर्ट टाइप का है, इसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा ऐसे, ये चिपक जाएगा इस पर, जिससे आपका स्क्रीन पे ना जाए। ये भी ठीक है। तो बॉक्स कंटेंट हमारा ये है फिलहाल, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें मिलेंगी इसमें। बाकी मैं इसका अभी सेटअप करके दिखाऊंगा आपको, मिलते हैं आगे। तो ये फिलहाल गाड़ी है इग्निस, इसमें मैं पहले लगाऊंगा, इस जगह पे लगाऊंगा। देखो इधर फास्ट टैग लगा हुआ है, यहाँ पे लगेगा इस जगह पे अंदर साइड से, अभी दिखाते हैं आगे। तो ये पहले इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है मेरा सामान, ये है कैमरा, देखो ये है, इसको ऐसे यहाँ कहीं लगाएंगे, इसको देख के लगाना है, क्योंकि एक बार लग गया तो लग गया, फिर दोबारा आप इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। देखो फिट हो गया, पास से दिखाओ, देख रहे हो एकदम प्रॉपर फिट हो गया है। अब इसकी ये केबल लगानी है, ये और इस केबल को हम इसके अंदर अंदर ऊपर दिखा रहे हो, इसके अंदर घुसा देंगे। और ये घुसेगा कैसे, इसकी मदद से, ये जो प्राई टूल दे रखा है इसकी मदद से। ऐसे
ये गया, पूरा छुप जाएगा इसी के अंदर। तो गाइस ये देखो कैमरा, ये लग गया हमारा, क्यूबो का है। अभी इसका मैं फुटेज दिखाऊंगा कैसा है, जा रहा हूँ बाहर, पता चलेगा बाहर। और अंदर से कुछ ऐसा है, ये देखो यहाँ पे स्टिक हो गया है, फोकस कर देता हूँ, ये देखिए आप। और ये एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे है, जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करूँगा ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने लग जाता है, ये देखिए आप, ऑन हो जाता है। अभी बोलेगा भी, ये देखो आवाज़ आई, यानी कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो चलिए आगे दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस जैसा आप देख रहे हो ये लग गया है, इसका ये तार जो है ये मैंने ऊपर इसमें डाल दिया प्राइंग टूल्स की मदद से। ये वाला वायर पूरा यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे फिर साइड में ले गया, और फिर वो देखिए वो दिख रहा है ऊपर, ये तार यहाँ से मैं साइड से देखिए दरवाजे के पीछे पूरा छुप गया। दरवाज़ा खोलेंगे तब हल्का सा दिखेगा, ये तार है। और ये देखो ये मैं नीचे ले गया यहाँ पे, ये वायर दिख रहा है, ये यहाँ से मैंने घुसा के किसी तरह से एडजस्ट कराया, थोड़ा लूज़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा चाहिए। फिर गया, फिर इसको मैं इधर ले गया, और इधर से ये देखो यहाँ से निकला है इस जगह से अंदर से, और फिर मैंने यहाँ पे इसको, मेरे पास ये ऑलरेडी, ये पहले का मेरे पास था जिसमें दो USB पोर्ट थे, एक से मैं मोबाइल चार्ज करता था तो इसी में लगा दिया। तो इसका अडेप्टर एक एक्स्ट्रा मेरे पास रख गया है, वो कभी और काम आ जाएगा, यहाँ पे लग सकता है वो अडेप्टर। तो ये कनेक्ट हो गया, अब जब भी गाड़ी में ऑन करता हूँ अपनी तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मोड में चला जाता है, कुछ नहीं करना है, आराम से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। हाँ तो इसके लिए एक चीज़ और है, SD कार्ड। SD कार्ड सबसे मस्ट है, मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करता हूँ WD का, जो पर्पल वाला है वो मैंने खरीदा था, वो स्पेशली कैमरा और सर्विलेंस कैमरा एक्शन कैमरे के लिए ही बना है, वो मैंने यूज़ किया था अपने CCTV वाले में, तो उसमें बढ़िया चल रहा था, तो फिर मैंने वही मंगवाया है, वो मैं इसमें यूज़ करूँगा। पहले मेमोरी कार्ड मैंने ये मंगवाया है, ये आ चुका है, यह है WD का 64 GB, मैंने इसको मंगवाया है, ये करीबन मुझे पड़ा है 549 के अराउंड। और ये इसको मंगवाने का इसलिए एक रीज़न था क्योंकि ये स्पेशली बना हुआ है आपका ये सर्विलेंस कैमरा और डैश कैम वगैरह के लिए। इससे पहले मेरा जो सिक्योरिटी कैमरा था MI का, उसको मैं यूज़ करता था, तो उसमें क्या होता था कि बार बार फॉर्मेट, मतलब मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता था, उसको फॉर्मेट करना पड़ता था, क्योंकि जो पुरानी रिकॉर्डिंग होती थी वो डिलीट नहीं हो पाती थी, तो वो करप्ट हो जाता था। तो रिसर्च करने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने इसको लगभग 2 साल से मैं अपने सिक्योरिटी कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, कभी कोई दिक्कत नहीं है, जब से मैंने लगाया कोई फॉर्मेट का इशू नहीं आया, कभी कोई वीडियो करप्ट नहीं हुई, तब से मेरा चल रहा है। तो फिलहाल इसके लिए भी मैंने यही मंगवाया है सेम, और मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको इसकी वीडियो सिखाऊंगा। हाँ तो गाइज ये है कैमरे की क्वालिटी, आप देख सकते हो सामने आपके, रिकॉर्डिंग भी हो रही है प्रॉपर, मतलब जैसे ही स्टार्ट करेंगे वैसे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और इंटरनल मेमोरी में सेव होती रहेगी। ये ऐप का है व्यू, बाकी थोड़ा सा अगर डायरेक्शन हम चेंज करना चाहें तो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे नीचे कर सकते हैं, अब और व्यू आ रहा है प्रॉपर, डेट टाइमिंग सब कुछ है इस पर लिखा हुआ है। आप अभी देखिए, मैंने बताया था ना क्यों ज़रूरी है, अभी मैंने लगाया, आज ही मैंने कैमरा लगाया, आज ही एक इंसिडेंट हुआ, ये देखिए कैसे, वो दो बाइक थी फैमिली वाले, मतलब मैं खड़ा हूँ जा रहा हूँ आगे, ठीक है, तो वो दिख रही है गाड़ी आ रही है, तब तक वो रुके हैं, जैसे ही गाड़ी उनके पास पहुँच गई उन्होंने बाइक आगे बढ़ा दी, अगर वो मेरी स्पीड ज़्यादा होती तो भाई लड़ जाते, गलती मेरी हो जाती, इन्हीं लोगों की वजह से ये कैमरा लगा है। आप देखिए इसमें चार बिठाए पड़े और रोका हुआ था बीच में, ये नहीं कि रुक जाए निकाल ले तुरंत, जैसे ही पास में आई गाड़ी वैसे ही बढ़ाई से चूतिया, पता है ये साइकिल बाइक वालों क्या चुस्क चढ़ता है, जब गाड़ी पास में तब बढ़ाएंगे, दूर होगी तब नहीं बढ़ा रहा, खड़ा है चुप्पे वहां पे।